चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आपके लिए आपके समय के अनुसार के लिए। तो जैसा कि हम लोग शुरू करने वाले थे, पीछे की क्लास में आपसे जिक्र किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो माइक्रोस्कोप के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा समझा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। चले, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे हैं ना। अब हम लोग शुरू करते हैं टेलीस्कोप। क्या करें, शुरू करेंगे टेलीस्कोप। तो चलिए, सबसे पहले टेलीस्कोप, तो ये आपका हो गया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिसे हम लोग दूरदर्शी भी बोलते हैं या दूरबीन भी बोलते हैं, तो दूरदर्शी या दूरबीन के लिए। तो इससे हम लोग करते क्या है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं। तो ये आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए लिख दीजिए कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी distant objects clearly and magnified। क्लियर। तो यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थित वस्तुओं को अस्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या हुआ, कहता है इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्नीफाई, कि यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थित वस्तुओं को अस्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया टेलीस्कोप। चलिए, छोटा सा डिफिनेशन है, आप भी लिख लिए होंगे, क्योंकि मेन टॉपिक इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका, कैसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये आपका हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरबीन। क्लियर। तो जितने भी इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो यह आपका एक टेलीस्कोप है जिसके द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब खगोलीय वस्तुओं को देखा जाता है, और खगोलीय वस्तुएं कौन कौन से हैं आपके, तो स्टार हैं, प्लेनेट हैं, ये सब सारे क्या हैं, खगोलीय वस्तु कहलाते हैं। क्लियर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, केटीजे टेलीस्कोप। ये आपका क्या है, तो यह एक टेलीस्कोप है, दूरबीन है, इट इज ए टेलीस्कोप विच इज यूज्ड टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। क्लियर। तो यह एक दूरबीन है
जिसका उपयोग खगोलीय वस्तुओं को अस्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर? बहुत आसान है डिफिनीशन। नाउ आप देखें कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सेम प्रिंसिपल है आपका कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये भी आपका कहता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेम चीज है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। तो यह लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए ओके। तो हमने प्रिंसिपल देख लिया, आप क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का मतलब होता है रचना एवं कार्य प्रणाली। तो चलिए अब हम थोड़ा फिगर पे बात करते हैं। तो इसमें भी देखें दो लेंस होता है, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरे को आई लेंस कहते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों बड़ा होता है और आई लेंस का फोकल लेंथ और अपर्चर छोटा होता है। फिनिश? जब यहां से इन्फिनिटी सी कोई रे, कि जब हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो रे कहां से आती है? इन्फिनिटी से आती है। तो चलिए यहां पर इन्फिनिटी से रे ऑब्जेक्टिव लेंस पर इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? वो फोकस पर अपना इमेज बनाएगी। तो यहाँ से ये रे हुई और ये आपका फोकस पे इमेज बना। क्लियर? रिफ्रैक्शन के बाद जो दूसरे लेंस के लिए आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है और अगेन आई लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होता है और फाइनल इमेज हमें एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन प्राप्त हो जाता है। क्लियर? बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसी चीज़ को हम भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर फिगर आपको नज़र आ रहा है कि ये दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा आई लेंस। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं कि ना देखें इसमें क्या क्या है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन सा है आपका? ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। क्लियर? बात समझ गए? तो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस कि द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव
lens is big and the focal length and the focal length and aperture of eye lens. Eye lenses small, clear? बात समझ गए कि दोनों both lens are kept on. Both lens are kept on same principal axis. Both lens are kept on same principal axis. Ray from distant stars या distant objects incident on objective lens after refraction its image A dash B dash is formed at focus. Clear? Focus of objective lens. ये भी आप लिख सकते हैं कि this is focus of objective lens. Which acts as object for eye lens. Clear? Which acts as object for eye lens? The eye lens is adjusted in such a way that the object A dash B dash O dash B dash lies between focus and optical center. Focus and optical center of eye lens. Clear? After refraction through eye lens, the final image A double dash B double dash is formed at least distance of distinct vision. और एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? तो ये आपको होती है 25 सेंटीमीटर. तो क्लियर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है. तो चलिए, प्लीज़ बोर ना हो, अच्छी तरीके से समझें और लिखें. हमने उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपका फिगर ड्रॉ किया गया. और हिंदी हम बोल रहे हैं, हिंदी आप लिख लें, बहुत आसानी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है लिखने में. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, शुरू करते हैं. कहता है इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस. क्लियर? कहता है अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है. अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक
छोटा होता है। लिख लिए होंगे कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक छोटा होता है। दोनों लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित रहते हैं, दोनों लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित रहते हैं। क्लियर? कहता है कि दूरस्थ स्थित वस्तुओं से किरण अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होती है। दूरस्थ स्थित वस्तुओं से किरण अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस पर बनाती है, अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनाती है। क्लियर बात समझे कि दूरस्थ स्थित वस्तुओं से किरण अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वस्तु ए डैश बी डैश उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाए। क्लियर? कि नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वस्तु ए डैश बी डैश फोकस और नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आ जाए। पुनः नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। पुनः नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद उसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप यहाँ तक लिख लिए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए इधर को हम ऊपर वाले को रब करते हैं। चलिए रब करें, तो चलिए रब कर लें। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर ना? चलिए अब ना हम लोग बढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट आएगा मैग्नीफाइंग पावर को एम से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं आवर्धन क्षमता या आवर्धन। क्लियर? तो ये भी आपका होता है बीटा बाय अल्फा। तो बीटा और अल्फा क्या आप देखें, तो ये कहता है कि एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। क्लियर? कि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के केंद्र पर बना कोण और वस्तु के द्वारा अभिदृश्यक लेंस पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ आवर्धन क्षमता। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट at ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस when objects are kept at infinity and images are found at least distance of
कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? तो ये आपका हो गया मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? तो चलिए प्लीज इसका भी आप राइट करें कि जब वस्तु अनंत पर हो और प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के न्यूनतम दूरी पर बनता हो, कि जब वस्तु अनंत पे हो और प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के न्यूनतम दूरी पर बनता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण और अभिदृश्यक और वस्तु के द्वारा अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे? तो जैसे हम क्या बोले, हम ये बोले कि जब वस्तु अनंत पर हो और प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण और वस्तु के द्वारा अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो नाउ यहाँ से देखें तो ये m बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ये m बराबर आपको मिलेगा इट इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, सिंस एंगल r स्मॉल, तो चूंकि एंगल छोटा होता है इसलिए हम इसे ले सकते हैं इट इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा। देखें यहाँ से टेन बीटा कितना होगा, ए डैश बी डैश बाय सी टू ए डैश, तो ये आपका बन गया ए डैश बी डैश बाय सी टू ए डैश। अगेन देखें टेन अल्फा, कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो अल्फा। यहाँ से अल्फा निकालें तो ए डैश बी डैश बाय क्या होगा, सी वन ए डैश, तो ये बन जाता है ए डैश बी डैश बाय सी वन ए डैश। क्लियर? और गौर से देखेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगा, इसलिए प्लीज गौर से इसे देखें और समझें। अगेन देखें ये आपका ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल होगा, ये सी वन ए डैश ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो गया सी वन ए डैश बाय क्या होगा, तो इट इज इक्वल टू सी टू ए डैश। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखिए सी वन ए डैश, तो ये सी वन ए डैश कहाँ पर इमेज बना है, फोकस पर, कहाँ पर बना है, फोकस पर, किसके फोकस पर, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर, तो ये आपका हो गया इट इज एफ ओ, पॉजिटिव होगा राइट साइड है। नाउ देखें यहाँ से, अब ये कहता है सी टू ए डैश, तो ये सी टू ए डैश क्या है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वहाँ इसके लिए इंसिडेंट रे इस प्रकार है, लेकिन उसके अपोजिट में हम डिस्टेंस को माप रहे हैं, तो अपोजिट में अगर माप रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको होता है यू ई, और ये मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना मिला, माइनस एफ नॉट बाय यू ई। क्लियर? तो चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके? क्लियर? कंप्लीट? तो चलिए रब करते हैं। तो ये आपको एक्चुअल में मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया माइनस एफ नॉट बाय यू ई। क्लियर? ना यहां से देखें कि फर्स्ट केस, कि व्हेन इमेज आर फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर, डिस्टिंक्ट विजन, कि जब प्रतिबिंब, तो ये आपका हो जाएगा कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने
जब प्रतिबिंब अस्पष्ट देखने की न्यूनतम न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, क्लियर। तो जब ये न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यहाँ से देखें आपका VE, क्लियर, कहाँ पर बन रहा है कि इमेज, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज आपका कहाँ बना, तो फाइनल इमेज आपका बन रहा है डी पर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू माइनस डी, और एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज 1/VE माइनस, फार्मूला होता है 1/V माइनस 1/U, इट इज इक्वल टू 1/F। तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस डी, ये कितना हो जाएगा आपको, दिस इज माइनस 1/UE, 1/UE, क्लियर। तो UE भी आपका क्या आ रहा है, और इधर क्या होगा, इट इज इक्वल टू FE, क्लियर। तो चलिए प्लीज राइट करें। क्लियर। तो यहाँ पर U कितना हो जाएगा आपको, तो U भी आपको मिलेगा माइनस UE। नाउ सॉल्व कर दें, तो ये आपको अगर यहाँ से देखें तो इधर आपको बच रहा है 1/UE, 1/UE बराबर क्या मिल रहा है आपको, इट इज 1/FE प्लस 1/D, क्लियर। यहाँ से अगर हम मैग्नीफिकेशन देखें तो 1/UE बराबर क्या मिलेगा, माइनस M/F0। तो ये आपको बन रहा है माइनस M/F0, क्लियर। आप समझ गए कहाँ से लिए, वो F0/UE, तो 1/UE, तो F0 नीचे आएगा, माइनस M/F0। इधर क्या बचा आपका, तो ये हो गया 1/FE प्लस 1/D। और इस तरीके से आप मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस F0 1/FE प्लस क्या हो रहा है, 1/D। और फाइनली ये आपका हो जाएगा F0। चलिए FE को कॉमन निकाल लें, तो जब आप FE को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट इज 1 प्लस FE, अब बाय क्या होगा, D। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन हो गया, किस स्थिति में, कि जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर। तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इस स्थिति में अगर आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालें L, तो L कितना होगा, यहाँ देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ये कितना था, F0 पर, और उधर क्या बचा, UE, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आपका बन जाएगा, इट इज इक्वल टू F0 प्लस UE, क्लियर। ये भी समझ गए होंगे ना। देखें दूसरा केस का अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि वैन इमेज आर कहाँ पर, इमेज आर फाउंड एट इन्फिनिटी की, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो जब ये अनंत पर बन रहा है तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, U इज इक्वल टू UE, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू FE। अगेन फार्मूला पुट करें तो 1/V माइनस 1/U, इट इज इक्वल टू 1/F। चलिए सारा डाटा पुट कीजिए, तो ये हो गया 1/∞ माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस UE, इट इज इक्वल टू 1/FE, क्लियर। तो इधर आपको बच रहा है 1/UE, इट इज इक्वल टू 1/FE। अगेन 1/UE का वैल्यू कितना होगा, माइनस M/F0। तो ये आपको बन जाएगा माइनस M/F0, और ये आपको हो गया, इट इज इक्वल टू FE। और फाइनली आपको मैग्नीफिकेशन बचेगा माइनस F0 बाय FE, क्लियर। और ये तभी आपका, अगर लेंथ का बात करें तो ये दोनों, ये
फोकस आई लेंस का फोकस भी अगर एफ नॉट पे आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगा, ये इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट फोकस पे बना और ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले लेंगे तो इमेज इन्फिनिटी बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा एफ नॉट प्लस एफ ई। क्लियर, तो ये था आपका पूरा पार्ट टेलीस्कोप का। क्लियर, थोड़ा लंबा पार्ट है, लंबा टॉपिक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम अगर बचे तो वो प्रॉब्लम आप हमसे पूछ लेंगे। क्लियर, बाकी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और इसके न्यूमेरिकल्स पर जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, इसे तैयार करें, कोई प्रॉब्लम हो यूजिंग एनी सोर्स आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।